हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना दोस्त मिस्टिक मंदार और आपके मिस्टिक मंदार चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। इंडिया ने 59 ऐप जो चाइना के बैन किए उसके बाद सभी भारतीय के मन में एक सवाल आया कि जिस ऐप की हम लोग को मतलब इतने दिन से इतने सालों से हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे उसकी आदत हो चुकी थी और वही ऐप अचानक से बंद हो गए। तो सवाल ये उठता है सभी के मन में कि हम लोग आखिर इस्तेमाल करें तो कौन सा करें। कुछ लोग कहते हैं कि स्वदेशी इस्तेमाल करो, कुछ लोग कहते हैं कि चाइना का ऐप मत इस्तेमाल करो। लेकिन दोस्तों, मैं इस चैनल में हमेशा आपके साथ हूँ और आपको हमेशा ये चीजें बताता हूँ कि आपके बिजनेस के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी और कौन सा एप्लीकेशन जरूरी है। मैं यहाँ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, जब इंडिया की बात आती है तो इंडिया के जो एप्लीकेशन जो टेक्नोलॉजी लेटेस्ट है और अच्छी है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आज ऐसी ही टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे जिसका बिजनेस के लिए बहुत इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, आज इस ऐसे ऐप के बारे में बात करेंगे जिसका इस्तेमाल करके आप कॉन्फ्रेंस अटेंड कर सकते हो या आपके मीटिंग से आपके वेबिनार कर सकते हो। जी हाँ, अभी मार्केट में फिलहाल तो जूम एप्लीकेशन अवेलेबल है। जूम के बारे में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जूम एक चाइना का ऐप है, लेकिन जी दोस्तों, ये चाइना का ऐप नहीं है। चाइना के ओनर का ऐप हो सकता है, लेकिन ये स्थित है अमेरिका में। इसके सिक्योरिटी के बारे में बहुत सारे लोगों ने आशंका की। अभी इसकी सिक्योरिटी अच्छी है या बुरी नहीं है इस बारे में मुझे बात नहीं करनी है, लेकिन अगर प्ले स्टोर पे है, एप्पल पे है, तो सिक्योरिटी डेफिनेटली अच्छी है। एप्पल पे भी रजिस्टर है, एप्पल विदाउट वेरिफिकेशन एप्पल रजिस्टर नहीं करता। दूसरा ऐप आता है गूगल मीट, ये भी बहुत अच्छा ऐप है, लेकिन सवाल ये उठता है कि हम लोग अगर भारतीय जागे उठे हैं स्वदेशी का नारा लगाने, तो क्यों ना एक स्वदेशी ऐप इस्तेमाल करें। जी हाँ दोस्तों, मार्केट में एक नया ऐप आया है जो जियो को, जो गूगल मीट को और जूम को टक्कर देने वाला है। गलती से मेरे मुंह से नाम निकल गया। जी हाँ दोस्तों, यही नाम है जियो मीट। जियो मीट एक ऐसा एप्लीकेशन है जो जूम एप्लीकेशन को मतलब जूम मीट को और गूगल मीट को टक्कर दे सकता है। तो ये ऐप कैसे काम करता है, ऑनलाइन में अवेलेबल है क्या या सिर्फ एप्लीकेशन में अवेलेबल है? दोस्तों, ये फिलहाल तो एप्लीकेशन रूप में ही अवेलेबल है, ऑनलाइन में ही अवेलेबल नहीं है। तो इसका इंटरफेस कैसे दिखता है, ये कैसे काम करता है, चलो देखते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। अगर आप ये चैनल पे नए हो तो चैनल प्लीज सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट करो। दोस्तों, आपको सब्सक्राइब करने के लिए सिर्फ उंगली दबानी है, आपके उंगली दबाने से मुझे राहत मिलती है और मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो मैं आपके साथ ऐसे ही बहुत सारे अच्छे वीडियो जो आपके बिजनेस ग्रो होने के लिए सपोर्ट करती है, हेल्प करती है, वो मैं लेके आता रहूंगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो देखते हैं जियो मीट एप्लीकेशन कैसे है। टक्कर देने वाले ये जो ऐप कैसे दिखता है, उसका इंटरफेस कैसे है, गूगल मीट को भी टक्कर देने वाला मतलब गूगल कंपनी को भी टक्कर देने वाला ऐसा कौन सा ऐप है जियो का जो मार्केट में लेटेस्ट अवेलेबल हो चुका है, तो इंडियन होने के नाते हम लोग ये एप्लीकेशन इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। तो इसका रिव्यू तुरंत देखते हैं। मैं वापस एक बार बोलता हूँ, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करो और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो, क्योंकि इंडियन ऐप ग्रो होगा तो इंडिया ग्रो होगा। हम लोग को क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है और प्ले स्टोर पे जियो मीट सर्च करना है। ये देखो, जियो मीट मैंने ऑलरेडी सर्च करके रखा है। आपको क्या करना है, सिंपली टाइप करना है जियो मीट। ये मैंने टाइप किया, ये देखो फर्स्ट एप्लीकेशन है, आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद लॉगिंग तो नॉर्मल जब सभी अकाउंट करते हैं वैसे ही करना है, जीमेल अकाउंट से लॉगिन करना है, आपके कोई भी ईमेल आईडी से लॉगिन करना है। लेकिन एक ध्यान रखना है कि आप जो भी पासवर्ड सेट करोगे वो भी आपको बताएगा, लेकिन मैं एडवांस में एक चीज़ बता दूँ, आपको पासवर्ड ये चार सिद्धों का ध्यान रख के करना है। उसमें कैपिटल लेटर होना चाहिए, उसमें स्मॉल लेटर होना चाहिए, उसमें स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और नंबर्स होने चाहिए। ये चार आप डिजिट रखोगे, ये स्पेशल सिक्योरिटी कोड है, मतलब सिक्योरिटी इसमें ज़्यादा होती है। जितना आप डिफिकल्ट पासवर्ड रखते हो आपके एप्लीकेशन बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो आपको लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद आपको वेरिफिकेशन ईमेल आएगा, जो ईमेल आईडी पे आपको कंफर्म ईमेल करके लिंक कंफर्म करके आपको इस एप्लीकेशन में ज्वाइन होना है। फिलहाल तो ये एप्लीकेशन ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन बेस पे अवेलेबल है, ऑनलाइन पे अभी तक ये लॉन्च नहीं हुआ है। तो दोस्तों, ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिए। इसका इंटरफेस देखा जाए तो आपको सिर्फ जूम की तरह ही दिखेगा। मुझे ऐसा लगता है कि जूम का इंटरफेस ही लिया है, जियो तो बहुत माहिर है इसके लिए।
ये इंटरफेस सेम जूम की तरह है, न्यू मीटिंग है यहाँ पे देख सकते हो, न्यू मीटिंग है, मैं ब्रश लेके बता दो, यहाँ पे देखो न्यू मीटिंग है, ज्वाइन मीटिंग है, शेड्यूल है, शेयर स्क्रीन है, राइट। तो ये तो है, कॉन्टैक्ट रिक्वेस्ट है। नीचे आप देखोगे तो नीचे देखो इसमें क्या है, जूम है, ये देखो जूम है, मीटिंग है, कॉन्टैक्ट है, सेटिंग है, राइट। अभी आपको न्यू मीटिंग रिक्वेस्ट कैसे करनी है, ज्वाइन मीटिंग क्या है, शेड्यूल क्या है, शेयर स्क्रीन क्या है। अभी न्यू मीटिंग मतलब आपको किसी को इनवाइट करना है, खुद एज अ होस्ट आपको मीटिंग इनवाइट करनी है, तो आपको न्यू मीटिंग पे क्लिक करना है, या आप पर्सनल मीटिंग पे क्लिक करना है, क्योंकि ये पर्सनल आईडी मीटिंग है, और ये पर्सनल प्राइवेट मीटिंग अगर शेयर करनी है तो आप शेयर कर सकते हो, वीडियो ऑन रखना है तो वीडियो ऑन कर सकते हो। यहाँ पे मैंने स्टार्ट मीटिंग के ऊपर क्लिक किया, स्टार्ट मीटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद ये देखो ये कैमरा की क्वालिटी बहुत, और यहाँ पे सब अच्छा जूम की तरह, ये मतलब मैं तो कहता हूँ जूम से बहुत बेटर है, यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है, यहाँ पे कैमरे पे मैं दिख रहा हूँ, ये इंटरफेस मोबाइल अवेलेबल है, नीचे मेरा नाम आता है, ये देखो वॉइस भी कितना वॉल्यूम से मैं बात कर रहा हूँ वो भी मुझे पता चल रहा है। अभी नॉर्मली देखा जाए तो यहाँ पे हेडसेट लगा है, कैमरा स्विच ऑन स्विच करना है तो यहाँ से ऑप्शन है, ये देखो यहाँ पे नीचे म्यूट का ऑप्शन है, स्टॉप वीडियो, अगर मैं म्यूट करता हूँ तो म्यूट हो जाएगा, स्टॉप वीडियो करता हूँ तो ये देखो मैंने स्टॉप वीडियो किया, तो अभी मेरा सिर्फ नाम आ रहा है, राइट। तो अभी मैं फिलहाल तो ये ऑन कर रहा हूँ, यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रहा है। शेयर स्क्रीन करनी है तो शेयर स्क्रीन का ऑप्शन है, यहाँ पे स्टार्ट नाउ जियोमेट स्टार कैप्चरिंग एवरीथिंग डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। तो ये देखो दोस्तों, आपको मीटिंग अगर रिकॉर्ड करनी है, कैप्चर करनी है, तो आपको यहाँ पे स्टार्ट का ऑप्शन है वो क्लिक करना है, राइट। अभी स्क्रीन पे क्या क्या हो रहा है वो ये ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड कर रहा है, राइट। तो अभी मुझे वो तो शेयर नहीं करना है, मैं तो बैक में जाऊंगा, पार्टिसिपेट मतलब यहाँ से डायरेक्टली मोबाइल पे अगर हो तो मोबाइल से डायरेक्टली शेयर का ऑप्शन है, और पीसी पे अगर काम कर रहे हो तो पीसी से भी आप फाइल सिलेक्ट कर सकते हो, आपकी पूरी स्क्रीन, आपकी पूरी लैपटॉप की स्क्रीन रिकॉर्ड हो जाएगी, राइट। इसके अलावा पार्टिसिपेंट कौन थे कौन से, अभी यहाँ पे पार्टिसिपेंट तो कोई भी नहीं है, मैं फिलहाल यहाँ पे कर रहा हूँ, इनवाइट कर सकते हैं, इनवाइट पे यहाँ पे ईमेल आईडी पे डालना है, आप ये इनवाइट जियो मीट है मतलब जिनके जिनके पास जियो ऐप मोबाइल अवेलेबल है तो उनके कॉन्टेक्ट से आप शेयर कर सकते हो, हैंगआउट से शेयर कर सकते हो, मैसेजिंग कर सकते हो, जीमेल कर सकते हो, न्यूज फीड फेसबुक के न्यूज फीड से भी कर सकते हो। दोस्तों जूम में भी एप्लीकेशन मतलब ये अवेलेबल नहीं है कि आप फेसबुक पे डायरेक्टली ब्रॉडकास्ट करो और डायरेक्टली सबको इनवाइट करो, राइट। व्हाट्सएप पे है, व्हाट्सएप बिजनेस पे है, मतलब जितने भी एप्लीकेशन शेयरेबल है आपके मोबाइल पे तो उससे आप शेयर कर सकते हो। न्यूज फीड पे मतलब आप फेसबुक पे डायरेक्टली डालो ना, आपको इनवाइट करना है, आपको किसी को बुलाना है, यहाँ पे मैं जीमेल का ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ। जीमेल का ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखो मैंने फ्रॉम नेहा डॉट ईटीजी डाला है, यहाँ पे मैं किसी का ईमेल डालता हूँ, मैं मेरा ही ईमेल आईडी डालता हूँ, manda.etg@gmail.com, ये मैंने डाल दिया, सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पे देखो ज्वाइन जियो मीटिंग और इनविटेशन लिंक जा रही है, मीटिंग आईडी डाल रहा है, पासवर्ड जा रही है, मैंने शेयर किया। तो कोई भी बंदा ये लिंक क्लिक करके पर्सनल इनवाइट करके ये भी कर सकता है। तो दोस्तों ध्यान रखना कि जो टेक्नोलॉजी यूएस अमेरिका टेक्नोलॉजी भाई मुकेश भाई लेके आए है, तो दोस्तों ये तो चीज हो गई। अभी मोर पे ऑप्शन है, देखो चार्ट से मीटिंग से चार्ट का ऑप्शन स्टॉक पर है, चार्ट करने मीटिंग के वक्त अगर कोई भी बात आपके एम्प्लॉई के साथ पार्टिसिपेट के साथ चैटिंग करनी पाओ चैटिंग ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो, या चैटिंग किया या मैसेज डाल दिया हाय सेंड कर दिया तो सेंड टू एवरीवन हो गया, ये मैसेज जितने भी पार्टिसिपेट है उनको चला जाएगा। उसके अलावा मीटिंग सेटिंग आपको करनी है तो मीटिंग सेटिंग कर सकते हो, टॉप मीटिंग मीटिंग टॉपिक है लाइक राइम एंड एग्जिट, यहाँ पे मीटर आप कर सकते हो, म्यूट एंट्री म्यूट ऑन एंट्री देख सकते हो, शो नेम व्हेन पार्टिसिपेट ज्वाइन ये आपको करना है, ऑन म्यूट एंट्री ऑन करना है, सब ऑन करो ऑफ करो आपके आपके ऊपर है, जरूरी नहीं है। आपको प्राइवेसी रखनी है तो प्राइवेसी रख सकते हो, यहाँ पे मैंने सेटिंग ऑन की। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखो ये इंटरफेस बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है। अभी ये हो गई नॉर्मली इनवाइट करने की, अगर किसी के मीटिंग में ज्वाइन होना है दोस्तों तो वो लिंक से डायरेक्टली ज्वाइन करो, वो तो डेफिनेटली ईमेल आईडी पे आता है, या यहाँ पे ज्वाइन का ऑप्शन करो और आपको मीटिंग आईडी डालना है और पासवर्ड डालना है, ज्वाइन विद पर्सनल लिंक नेम डायरेक्टली राइट, डोंट कनेक्ट विद ऑडियो टर्न ऑफ माई वीडियो, ये भी ऑप्शन यहाँ पे एडवांस में बताता है दोस्तों, जो जूम में भी अवेलेबल नहीं है और गूगल मीट में तो है ही नहीं, राइट। इसके अलावा यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हो, अभी शेड्यूल पे कौन से इंटरफेस यहाँ पे दिखाई देते हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मंदार गावड़े
यहाँ पे मेरा ही नाम डालता हूँ, मिस्टिक मंदार। मिस्टिक मंदार टाइप किया मैंने, डेट कौन सी है मैंने, मैं डालता हूँ चलो 7 तारीख डालता हूँ, और ये मैंने 7 तारीख का ये क्या 9 to 9:36 राइट। टाइम जोन रिपीट नेवर, होस्ट वीडियो ऑन यस, पार्टिसिपेट वीडियो ऑन यस, डोंट अलाउ। अब ये पार्टिसिपेट वीडियो ऑन मतलब क्या है, आपको मान लो वेबिनार करना है तो जरूरत नहीं है, अलाव यूजर्स की जरूरत नहीं है, ये चीजें अभी एडवांस यहाँ पे अवेलेबल है दोस्तों। डोंट अलाउ गेस्ट यूजर्स, तो आपको डोंट अलाउ करना है तो डोंट अलाउ कर सकते हो। ऐड टू कैलेंडर राइट, मैंने कैलेंडर ऑन किया तो मेरे जो जीमेल का कैलेंडर है तो उसमें चला जाएगा। यहाँ पे देखो अलाउ ज्वाइन बिफोर होस्ट, ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड मीटिंग यस, मैंने ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड कमिंग टेक्स्ट रिलीज, अभी तक ज्वाइन नहीं हुआ है, तो ये चीजें आप कर सकते हो राइट। ये मैंने डन किया तो शेड्यूल में चला गया। अभी इसकी इनविटेशन में अगर शेयर स्क्रीन का ऑप्शन है, यहाँ पे शेयर स्क्रीन कर सकते हो दोस्तों। आपको अगर सिर्फ शेयर स्क्रीन करनी है, मतलब आप मीटिंग में बैठे हो आपके साथ शेयर स्क्रीन करनी है, तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, या आप जब भी होस्ट करोगे मीटिंग तो आपको ऑप्शन वैसे भी पूछता है शेयर स्क्रीन का, जो मैंने बताया यहाँ पे देखो नीचे है, स्टार्ट मीटिंग करने के बाद, पर्सनल आईडी मीटिंग करने के बाद, ये देखो ऑप्शंस आपको नीचे बता देगा किधर गया, कनेक्ट हो रहे हैं। हाँ, शेयर स्क्रीन का ऑप्शन क्लिक करने के बाद आपका डायरेक्टली मोबाइल पे पीसी पे हो तो पीसी का डायरेक्टली ऑप्शन शेयर होगा। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ वेब शेयर करना है या आपको पर्टिकुलर फोल्डर शेयर करना है, तो जो शेयर होगा पूरा स्क्रीन शेयर होगा राइट। आगे जाके ऐसा होता है क्या देखते हैं, पता नहीं मुझे, लेकिन जो कुछ लॉन्च किया बहुत बड़ा लॉन्च किया है, यहाँ पे मीटिंग्स कौन सी है यहाँ पे पता चलता है, कॉन्टैक्ट्स कौन से यहाँ पे पता चलते हैं। अभी फोन कॉन्टैक्ट्स में देखो, मेरे फोन कॉन्टैक्ट्स में 19 जन ऐसे हैं जो अभी ये जियो के इसमें आ गए राइट। तो दोस्तों ये है ऑल अबाउट जियो मीट, मेरा ये कहना है कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचने चाहिए जो जूम और गूगल मीट का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, क्योंकि आप और मैं शेयर नहीं करेंगे तो इंडिया आगे नहीं बढ़ेगा। अगला वीडियो मिलने तक मैं मिस्टिक मंदार, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।